हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और बेहतरीन होने वाली है। आज तक यूट्यूब पर आपको सभी ने दो रीज़न के बारे में बताया होगा, यदि आपका छत का पंखा स्लो चल रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन आज हम एज ए कारण का मतलब बताने वाले हैं जो सबसे यूनिक और अलग होगा, और ऐसा कारण होगा जो आप स्वयं भी कर देख सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। लेकिन आज का जो तीसरे नंबर वाली कमी है वो मोस्टली पंखों में पाई जा रही है, और ये जो कमी होती है ये उन पंखों में पाई जाती है जो चार वायर वाले होते हैं। तो यदि आप भी ये चीज़ देखना चाहते हैं कि वो तीसरी कमी कौन सी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हमारे पास तीन वायर वाला पंखा हो या चार वायर वाला पंखा हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर कैपेसिटर को चेक करते हैं और कैपेसिटर को लगा देते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास जो पंखा है वो उसमें जो कैपेसिटर लगा है वो 2.5 का लगा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 3.25 का लगा देंगे, और नेक्स्ट टाइम जब वो 3.25 का भी वीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि और अच्छा चले तो हम उसमें 4 का लगा देंगे। लेकिन जो बहुत ही गलत तरीका है, यदि आपका जो पंखा है उसमें 2.5 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, यदि वो कभी ख़राब हो जाता है तो आप नया चेंज कर 2.5 का ही लगा दें, तो भी अच्छी खासी स्पीड आ जाएगी। लेकिन हम सोचते हैं कि ये छोटा है तो इसलिए हम गलती करते हैं। तो उस गलती से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2.5 की जगह 3.25 और 3.25 की जगह 4 का कैपेसिटर लगा दो। सबसे पहले हमें वही कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए जितनी पावर का वो पहला हमारे पास है, लेकिन न्यू लाकर। अगर ऐसे स्पीड आ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर उसका एक सर्किट वीक है, यानी कि एक सर्किट मैग्नेट बनाना बंद कर दिया है जिससे कि वो हीटअप भी हो चुका है। और जो तीसरा कारण होता है, तीसरा कारण जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन है। तो जो तीसरा कारण होता है, तीसरा कारण ये होता है कि जो उसमें चार वायर होते हैं वे अगर उनके करेक्शन आपने प्रॉपर तरीके से नहीं करे हैं तो भी आपका जो पंखा है वो वीक चलेगा, मतलब थोड़ा स्लो चलेगा। और यदि आप चाहते हो उस कनेक्शनों को देखना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चार तार वालों का जो फिक्स कनेक्शन होता है किस तरीके से कनेक्शन करने चाहिए, किस चीज़ की पहचान रखनी चाहिए और क्या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम बताएंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।